नमस्कार, सुप्रीम समाचार में आप सभी का स्वागत है। 131 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में हम मौजूद हैं, जहां पर महाराष्ट्र में अगर देखा जाए चुनावी प्रचार एक तरीके से जोरों शोरों पे चल रहा है। लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हमारे साथ बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके का चुनावी एजेंडा है उनका, किस तरीके का उनको जनता का प्रतिसाद मिल रहा है। क्या प्रतिसाद मिल रहा है जनता का आपको? आप यहाँ सबसे पहले तो आपको मैं ये बात बताना चाहूँगा, मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, जनता का सेवक हूँ। हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर है, उन्होंने मुझे यहाँ के MLA की उम्मीदवारी दे दी गई है मुझे, और मुझे चुनके आने में कोई दिक्कत तो है नहीं। आप सब देख रहे हैं यहाँ इतना बड़ा माहौल है, सब जगह पे जा रहा हूँ, वहाँ पे अच्छा माहौल है, लोग भर भर के मुझे प्रतिसाद दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ विकास बहुत हुआ है। तो उसमें लोगों को इतना खुशी है कि कुछ भी करके अप्पा का सीट, सिद्धि दादा का सीट और मेरा सीट भारी ऑटो से जिताई। मुद्दे की बात करें, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं, कुछ तो मुद्दे होंगे? हम लोग विकास के मुद्दे पे चलते हैं, विकास और जब भी इलेक्शन होता है तभी विकास की हम बात नहीं करते। पूरे 5 साल जिस दिन इलेक्शन खत्म होता है दूसरे दिन से हम लोग विकास का बात करते हैं, काम करना चालू करते हैं, और पूरे साल लोगों के बीच रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और उनका हर कोई सार्वजनिक काम हो, पर्सनल काम हो, उसके लिए हम हैं, हमारी पूरी टीम है, जब मैं नगर सेवक है, सभापति है, कार्यकर्ता है, और आज दिन लोगों के बीच में जाके लोगों का काम करने का उनका एक तरीका है। तो विकास तो हम लोग ही कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहे हैं। राजेश पाटिल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, यदि आपको जनता जीत करके देती है, आप जीत करके आते हैं, तो पहला कार्य क्या होगा आपका? देखो, अभी आबादी बढ़ रही है और दिन ब दिन समस्या तो बढ़ती जाती है। अभी देखो रास्ते अच्छे बढ़े हो गए, गटर का काम अच्छा हो रहा है, पानी का किल्लत तो है ही नहीं, वो भी हो रहे हैं। आगे आने वाले समय में जो जो अच्छा काम लोगों को अच्छा लगेगा, जरूरत रहेगा, वो करते रहेंगे। कोई भी काम आज किया हो खत्म होता है ऐसा कभी हुआ है नहीं, नया काम तो कुछ ना कुछ निकल रहा है और अच्छे अच्छे तो काम करते रहे। कहते हैं कि पालघर और वसई विरार और ये क्षेत्र है आपका, यदि आप जीत करके आते हैं, सत्ताधारी पार्टियां तो अन्य पार्टियां होती हैं, ऐसे में किसी के साथ में कोई गठबंधन का आप जोड़ देखते? पहले चुन के आते, बाद में देखें गठबंधन करना नहीं करना, आगे की बात है, पहला लोगों को चुन के देना चाहिए। सवाल है मेरे जनता से, जनता कहती है यदि हम उनको जीत करके देते हैं, फिर बाद में अगर हम कोई काम लेकर जाते हैं, ये कहेंगे कि भैया हमको बाहर से फंड नहीं आ रहा है, दूसरी सरकार है, दूसरे की सत्ता है, हमको फंड नहीं दे रही है, तो ऐसा कुछ होगा आपको लगता है? नहीं ना, ऐसी बात तो है नहीं, जो चुन के गए हैं पिछले ML के, उन्होंने कुछ फंड नहीं दिया, वही बात बोल रहे हैं। और हकीकत है ना, हमारे MLA थे, MP थे बलिराम यादव, वो टाइम पे 3,500 करोड़ आए, उसके बाद में चिंतामन वनका साहब थे, अभी राजेंद्र गावित थे, 1 रुपये नहीं फंड दिया, खुद का जो रहता है 2 करोड़ का 3 करोड़ का फंड, उसका 1 रुपये भी नहीं दिया, तो गवर्नमेंट से तो लाने की बात ही दूर है, तो वो नहीं ला रहे तो हम लोग बताएंगे ना। बलराम यादव साहब ने तो 3,500 करोड़ लाया था, इन्होंने क्या लाया है? तो सही बात है, वो नहीं ला रहे तो नहीं लाएंगे तो बोलेंगे, लेकिन हम लोग जब भी MP MLA हम लोग जाएंगे, चूंकि आपका तो MLA है, सिद्धू दादा है, तो करोड़ों रुपये आ रहा है, अपना MMRDC क्षेत्र यहाँ बढ़ा है, और जब भी MMRDC क्षेत्र नहीं था तभी से अपन ने MMRDC का पैसा लिया है, महानगर का पैसा है, तो इतना बहुत सफाई ला रहे हैं। इस चुनाव को कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप? चैलेंज तो है ही नहीं, चैलेंज तो है ही नहीं, मैं यहाँ तो अपन वसे में छोड़ो, वसे तो अपने है लेकिन बोलसर है, वसे पालघर तालुका में ग्रामीण क्षेत्र है, जो पिछले जो MLA थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लोगों को कभी बात नहीं किया, लोगों का इतना गुस्सा है उनके ऊपर, लोग बोल रहे हैं कि इसको हटाना ही है, हम लोग नहीं किधर पहुँच रहे, बड़ा क्षेत्र है तो लोग खुद आके मिल रहे हैं, फोन कर रहे हैं, हम आप लोग हमारे पास आ जाओ नहीं तो हम लोग आ रहे हैं, ऐसा लोगों के बीच में माहौल बन गए, इसके लिए हमदार को हटाने हो। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार, हमारे सहयोगी राजा गुप्ता के साथ रईस खान, रितेश तिवारी, मुंबई।